क्लास थर्ड। कल हम लोगों ने चैप्टर सेकंड पढ़ा था पीपल विथ स्पेशल नीड्स, जिसमें मैंने आप लोगों को ये होमवर्क दिया था। अभी तक किसी ने भी होमवर्क करके सेंड नहीं किया इसको। और फिर कल मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेशल जो नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अर्थात जो विकलांग होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, जिन्हें सुनाई नहीं देता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेशल पीपल कहते हैं, या फिर उन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल बोलते हैं, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि जो ऐसे स्पेशल नीड्स वाले जो लोग होते हैं, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए, उन्हें प्यार की आवश्यकता है, उनकी देखभाल करनी चाहिए, और उन पर हमें ऐसा नहीं होना चाहिए दिखाएं कि हम उन पर दया कर रहे हैं, ठीक है। और हमें उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि वो अपना जो जीवन है वो आराम से व्यतीत कर सके, और उनके जो डेली वर्क हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 12, और पेज नंबर 12 में हम पढ़ेंगे टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल पीपल, कि जो स्पेशल लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, इनका हमें किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। वी कैन लुक आफ्टर दिस स्पेशल पीपल इन द फॉलोइंग वेज। इसका मतलब ये है कि इन निम्न तरीकों से हम जो विशेष लोग हैं या जो विकलांग लोग हैं उनकी हम देखभाल कर सकते हैं इन निम्न तरीकों से, ठीक है। तो पहला देखिए क्या लिखा है, बींग पोलाइट विथ देम, ठीक है, हमें उनके साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए, ठीक है। नॉट टीजिंग देम और मेकिंग फन ऑफ देम, इसका मतलब कि हमें उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी जो विकलांग लोग हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनका हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, इंक्लूडिंग देम इन आर गेट टुगेदर्स, बर्थडे पार्टीज एंड पिकनिक। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, जब हम बर्थडे पार्टी मनाते हैं या फिर हम पिकनिक पे जाते हैं, तो ऐसे जो स्पेशल लोग हैं उन्हें भी अपने बर्थडे पार्टी और पिकनिक में शामिल करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये तो ब्लाइंड है, ये तो सुन नहीं सकता है, बहरा है, इसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो ये हमारे साथ आके क्या करेगा। तो इस प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक हो सके कि इन्हें अपने ग्रुप के अंदर शामिल करना चाहिए। मोटिवेटिंग देम टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, ठीक है, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके सकारात्मक जीवन के प्रति, ठीक है, अर्थात हमें बार बार उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनका जो सकारात्मक व्यवहार है जीवन के प्रति वो क्या हो, विकसित हो, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई अंधा बच्चा है, ठीक है, वो किसी के साथ बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, और बातों बातों में उसको बताना चाहिए कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग जो हैं अंधे थे परंतु उन्होंने क्या की, पढ़ाई करी अंधे होते हुए भी, और अपना जो है पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किया। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। हेल्पिंग द विजुअली इम्पेयर्ड बाय रीडिंग आउट बुक्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर्स टू देम, और ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं उन्हें हमें क्या करनी चाहिए, किताबें पढ़ के सुनानी चाहिए, कॉमिक्स पढ़नी चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। किस में, बुक को पढ़ने में, कॉमिक्स को पढ़ने में और न्यूज़पेपर को पढ़ने में। वी कैन यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डीफ
एंड डम पीपल। ठीक है, ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें साइन लैंग्वेज अर्थात संकेतिक भाषा, जिसे हम कह सकते हैं इशारे से, हम उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें हम अपनी बात समझा भी सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और वो जो बोलें उसे समझने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए, तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, और किसके माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से। दे शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। ठीक है, उनके साथ अलग से ट्रीट नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, कि तुम अलग हो, तुम देख नहीं सकते हो, तुम अंधे हो, या तुम्हारे हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो इस तरह से उनसे अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम सभी अन्य सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार इन स्पेशल जो लोग हैं उनके साथ करना चाहिए। फिर देखिए, विजुअल इम्पायरमेंट, इसका मतलब कि जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता है। पीपल हु कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। इसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड पीपल कहते हैं। ठीक है, दे हैव प्रॉब्लम्स इन वॉकिंग, मूविंग अबाउट एंड वर्किंग, कि ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं उन लोगों को चलने में, ठीक है, और इधर उधर घूमने में और काम करने में क्या होती है, समस्या होती है, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट रीड एंड राइट, और वो लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं और लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स दे यूज अ स्टिक टू मूव एंड नो द हर्डल्स इन देयर वे। इसका मतलब कि जब वो लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं बाहर, तो एक प्रकार की लकड़ी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस लकड़ी से हम इनको ये मालूम पड़ जाता है कि सामने कोई रुकावट तो नहीं है। अगर कोई रुकावट होती है तो वो क्या करते हैं, उस जगह से मूव कर लेते हैं। लुईस ब्रेल डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। जो लुईस ब्रेल है, ठीक है, तो लुईस ब्रेल क्या था, एक अंधा लड़का था, और इस अंधे लड़के ने एक ऐसी भाषा विकसित की जिसके माध्यम से जो अंधे हैं, जो ब्लाइंड पीपल हैं, वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और इसी भाषा को हम लोग बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। बात समझ में आई? तो जो ब्लाइंड पीपल है वो ब्रेल स्क्रिप्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आयरोनिकली ही हिमसेल्फ वॉज विजुअली इम्पेयर्ड। इसका मतलब कि विडम्बना देखिए कि जो लुईस ब्रेल थे वो क्या थे, विजुअली इम्पेयर्ड, अर्थात उन्हें भी दिखाई नहीं देता था, अर्थात वो क्या थे, ब्लाइंड थे। इन द ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर रेस्ड डॉट्स ऑन अ पेपर। इसका मतलब ये है कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है इसमें क्या होता है कि एक मोटा पेपर होता है, और इस
मोटे पेपर पे क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं, अर्थात छेद होते हैं छोटे छोटे। और जब पीछे देखते हैं तो वो जो डॉट्स होते हैं वो उभरे हुए दिखाई देते हैं, और हम यदि छुएंगे तो वो उभरा हुआ महसूस भी होता है। और जो डॉट्स उभरा हुआ होता है उसी से ये लोग क्या करते हैं, उसे छूकर उसे पढ़ते हैं, और साथ ही साथ में एक ऐसे पेन का यूज़ करते हैं जिससे वो डॉट्स भी बनाते हैं। बात समझ में आ गई? तो सीधी सी बात है कि ब्रेल स्क्रिप्ट एक ऐसी भाषा है जो कि एक पेपर पे डॉट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, छेद किए जाते हैं, और वो जो छेद हैं वो क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। इन द ब्रेल स्क्रिप्ट देर आर रेस्ड डॉट्स ऑन अ पेपर दैट फॉर्म अ पैटर्न टू रिप्रेजेंट द अल्फ़ाबेट्स। कि जैसे हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी हम लोग लिखते हैं, उसी तरह से डॉट्स में क्या होता है कि कुछ संकेत होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, छः डॉट्स होते हैं, और उन्हीं डॉट्स की सहायता से हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं। और इसी अल्फ़ाबेट्स को क्या करते हैं हम, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो उस डॉट्स को जो उभरे हुए हैं उसे छूते हैं, स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करके अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं। सच पीपल सी विद देयर फिंगर एंड रीड। और फिंगर की सहायता से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। विद देयर आइज दे आर टॉकिंग बुक्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। ठीक है, और इस प्रकार की जो बुक होती है उन्हें समझने में क्या करती है, सहायता करती है। तो आज हम पेज नंबर 12 तक करेंगे, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो कल करेंगे। ठीक है।